बाबूलाल नौकरी की तलाश में गांव से मुंबई शहर में आता है। वो नौकरी के लिए बहुत भटकता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और दिन भर धूप में भटकने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सोचा था मुंबई आकर कुछ काम करूंगा, पर यहाँ तो आते ही मेरी तबीयत ही खराब हो रही है। लगता है इस शहर की हवा मुझे सूट ही नहीं कर रही है। अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बाबूलाल डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चलता है कि सभी लोग बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। ये देखकर बाबूलाल के मन में एक ख्याल आता है। अच्छा तो ये बात है, क्यों ना मैं इन लोगों को खाना बना कर दूं, जिससे मुझे भी काम मिल जाएगा और इन लोगों को खाना। बाबूलाल डॉक्टर से अपने लिए दवाई लेता है और अपने घर आकर टिफिन सर्विस शुरू करने की तैयारी करता है। सबसे पहले जाकर वो किराने की दुकान से राशन खरीदता है। उसके बाद वो बर्तन वाले की दुकान से जाकर बहुत सारे टिफिन खरीदता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। अच्छे से खाना पकाऊंगा, तभी तो लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा। और साथ ही मुझे साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना होगा, तभी तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। बाबूलाल साफ सुथरे तरीके से खाना बनाता है और लोगों के घर घर जाकर टिफिन देता है। सभी को उसके हाथ का खाना बेहद पसंद आता है, इसलिए उसको और भी कई लोग टिफिन देने के लिए बोलते हैं। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी अच्छा चल रहा है। अब तो मन लगाकर काम करना होगा, तभी जाकर ज्यादा लोगों को टिफिन पहुंचा सकता हूँ। बाबूलाल बहुत मेहनत करता है, पर फिर भी वो ज्यादा लोगों तक टिफिन नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि एक तो वो अकेला ही सारा काम करता है, राशन लाना, खाना पकाना और टिफिन पहुंचाना। वो देखता है कि बहुत से लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस की लाइन में लगे हुए हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सभी लोग ऑफिस के चक्कर में नाश्ता भी ठीक से करते होंगे। अगर इनको बस में जाते जाते निहारी मिल जाए तो ये लोग ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाएंगे और भूखे भी नहीं रहेंगे। बाबूलाल एक बस रेस्टोरेंट खोलने की सोचता है। इसके लिए वो गांव से अपनी बीवी और छोटे भाई को शहर बुलाता है और टिफिन सर्विस से कमाए पैसों से एक दो मंजिला बस खरीदता है। अब मेरे इलाके में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, मैं सभी लोगों को निहारी करके ही ऑफिस में भेजूंगा। चलो आज से ही काम शुरू कर देता हूँ, अच्छे काम में भला देरी क्यों। अब बाबूलाल उसकी बीवी और भाई मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करते हैं। देखो मुझे गाड़ी चलानी तो आती ही है, इसीलिए मैं बस चलाऊंगा। मेरे हाथ का खाना एक बार कोई खाएगा तो दोबारा कहीं और खाने जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ, साफ साफ बोलो ना कि खाना तुम बनाओगी, इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो ना खाना बनाना जानता हूँ और ना गाड़ी चलाना, मैं क्या काम करूँगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊँगा शहर, देखा मेरे आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई जरूरी है कि तुम्हें बस चलाना और खाना बनाना आए? अगर तुम चाहो तो हमारे इस बस रेस्टोरेंट में हमारी मदद कर सकते हो, तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। और काम क्या रहेगा, दोनों काम के लिए आप दोनों तो हो ही ना, खाना देने वाला भी तो कोई चाहिए ना, और जिनको खाना दोगे उनसे पैसे लेने के लिए भी तो आदमी की जरूरत पड़ेगी ना, या वो काम अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं वेटर और बस कंडक्टर का काम कर लूंगा। लो ये हुई ना बात, अब तो नहीं कहोगे ना कि तुम्हारे शहर आने का कोई मतलब नहीं निकला। नहीं, अब नहीं कहूँगा, चलो आज एक डेमो लेकर देखते हैं। पर आज तो संडे है ना, आज कौन जाएगा ऑफिस? आज हम अपनी सभी चीजें बस में अच्छे से सेट कर देंगे ताकि कल हमें सुबह सुबह ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट का सारा सेटअप हमारी ऊपर वाली मंजिल में करना चाहिए। जिसको खाना खाना होगा वो ऊपर आ जाएगा और खाने के बाद नीचे आ जाएगा, जिससे बाकी यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ ये ठीक रहेगा, किचन का पूरा सेटअप ऊपर ही कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो। तीनों मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सारे बर्तन और कुछ कुर्सियों के साथ
कुछ मेज भी बस में रख दिए। ये लोग ऊपर वाली मंजिल पर सभी चीजें अरेंज कर लेते हैं। ये हुआ ना सेटअप, अब देखना कल सुबह से ही हम हमारी सर्विस शुरू कर देंगे। पर इसके लिए लोगों को हमारे बस रेस्टोरेंट के बारे में पता भी तो होना चाहिए। हमें एक बड़ा सा बोर्ड बस के आगे लगाना होगा। अब बाबूलाल दुकान से एक बड़ा सा बोर्ड बनाकर ले आता है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बाबू बस रेस्टोरेंट। वो उस बोर्ड को बस के आगे टांग देता है और अब सभी लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है पर कोई भी उनके बस रेस्टोरेंट में नहीं आता। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। ये क्या भैया, हमारे बस में तो कोई भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें? करना क्या है, जाकर लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब बाबूलाल और श्यामलाल दोनों मिलकर अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर भीड़ में बस का इंतजार करने से अच्छा है आप हमारी बस में बैठ जाइए। आपको वहाँ नाश्ता भी मिलेगा और आपको आपके ऑफिस भी पहुँचा देंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी बस है जिसमें नाश्ता भी मिलने लग गया है? बस रेस्टोरेंट में आप चलिए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। वो आदमी अपने साथ अपने कई दोस्तों को लेकर बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में आता है। बाबूलाल की बीवी सभी के लिए नाश्ता बनाती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है भाईजान अपने। ऑफिस को ऑफिस पहुंचना भी हो जाता है और साथ में खाना भी हो जाता है। हाँ, इंतजाम तो अच्छा है, पर उसके बाद भी हमारे बस में कोई आ नहीं रहा है। क्योंकि आपके इस बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसलिए कोई नहीं आ रहा। जब पता चलेगा तो लोग जरूर आएंगे। अब आप ही देखो ना, जब आपने मुझे बताया तभी तो मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने इतना बड़ा बोर्ड तो लगाया हुआ है, और कैसे बताऊँ मैं लोगों को अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में? बोर्ड तो लगा दिया, लेकिन उसे कोई तभी देखेगा ना जब बस के पास आएगा। कुछ ऐसा करो कि बस के पास आए बिना भी लोगों को आपके बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाए, जैसे कि तुम चाहते हो। हाँ, ये सही रहेगा। अब बाबूलाल बहुत सारे पैम्पलेट्स छपवाता है और जगह जगह जाकर उनको बांटने लगता है। वो बस स्टैंड में लाइन में लगे लोगों को भी देता है। इसके अलावा वो घर घर जाकर भी लोगों को ये पैम्पलेट्स बांटता है, जिससे अब सभी लोगों को उसके बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है और उसके बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, जरा आराम से चलो, बस भागेगी नहीं आपको छोड़कर। सब लोग ठीक से बैठ जाइए। श्याम लाल सभी के टिकट्स काटता है और खाने के ऑर्डर्स लेता है। बाबूलाल की बीवी खाना बनाती है। हम चारों के लिए एक एक आलू पराठा बना दीजिए। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। बहुत सारे लोग ऊपरी मंजिल में खाना खा रहे हैं और बहुत सारे लोग नीचे बैठकर सफर कर रहे हैं। ये लीजिए मैडम, आपके पराठे और ये हमारे रेस्टोरेंट का टेस्टी अचार। थैंक यू भैया। जैसे जैसे वक्त बीतता है, बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगने लगती है। अब सभी लोगों को इस बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया है, इसीलिए सभी लोग इससे सफर करना पसंद करते हैं। और देखते ही देखते बाबूलाल को सभी लोग जानने लगते हैं और वो बहुत पैसे कमाकर यहाँ पर अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेता है। रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा खानदान संभालता था। उसकी बीवी पराजक्ता और बेटी मीना खाना पकाया करती थी और वो और उसका बेटा शुभम खरीदारों को संभालता था। लेकिन गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसलिए रमेश परेशान था। प्रजक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी कम होती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाला है वो हमारी जरूर मदद करेगा। हाँ, अब उनसे ही उम्मीद है, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और पराजक्ता की गुफ्तगू उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा, मुझे कुछ भी करके अम्मा अब्बा की मदद करनी होगी।
और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते दरिया के पास आ गया। शुभम का गांव एक दरिया के किनारे था और यही दरिया उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी कश्ती में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। अब्बा कह रहे थे कि हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर जा चुके हैं, लेकिन आसपास के गांव में तो लोग हैं ना, हम अपना खाना उन्हें फरोख्त कर सकते हैं, लेकिन कैसे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका तवज्जो एक दूसरी कश्ती पर चाय फरोख्त कर रहे शख्स की जानिब गया। चाय ले लो, चाय चाय, बस 5 रुपए चाय ले लो। चाचा मुझे एक चाय देना। शुभम उस कश्ती के करीब गया और उसने देखा कि चाय वाले ने अपनी कश्ती में चूल्हा लगा रखा है और वहीं चाय बनाकर फरोख्त कर रहा है। चाचा ये तो आपने बहुत सही किया है, कश्ती पर चाय कमाल है। पहले मैं भी दुकान में चाय फरोख्त करता था बेटा, लेकिन इतनी आमदनी नहीं हो रही थी तो सोचा कश्ती पर फरोख्त करूं, और मेरा फैसला सही निकला। अब सुबह निकलता हूं और एक गांव से दूसरे गांव दिन भर चाय बना बना कर फरोख्त करता रहता हूं। शुक्रिया चाचा। इसलिए? अब मेरी मदद करने के लिए। शुभम ने कश्ती मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। अब्बा मुझे एक तरकीब सूझ गई है। कैसी तरकीब बेटा? आमदनी में इजाफे का। अब्बा हम कश्ती पर खाना फरोख्त करेंगे। क्या? हाँ अम्मा, अभी मैं दरिया पर गया था, वहाँ एक चाचा कश्ती पर चाय फरोख्त कर रहे थे और वो कह रहे थे कि दिन भर उनकी चाय फरोख्त होते रहती है, वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में चाय फरोख्त करते रहते हैं, उनकी आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया है। अब्बा हमें भी उन चाचा की तरह खाना कश्ती पे ही फरोख्त करनी चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? मुमकिन है, कश्ती पर छोटा सा गैस वाला स्टोव लगाकर लोगों को गर्मा गर्म खाना मिलेगा और हम कई गांव में पहुंचकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। वैसे तरकीब तो अच्छी है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं, बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम की तरकीब उसके पूरे खानदान को बेहद पसंद आई थी। वो सब लोग कश्ती पर ढाबा खोलने के लिए तैयार थे। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लिए और फिर उन्होंने अपनी कश्ती पर स्टोव और बर्तनों को सेट कर लिया। यहाँ पर अजक्ता और मीना ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर ली थी और फिर सारा तैयार सामान लेकर पराजक्ता और मीना कश्ती के पास पहुँचे। सभी ने ऊपर वाले से दुआ की और अपनी कश्ती में निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुँचते ही खाना, जायकेदार खाना, सब्जी रोटी पनीर, दाल चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश ने कश्ती किनारे ले ली और कुछ लोग उसकी कश्ती की जानिब आए। अरे भाई ये क्या नया है? ये नया ढाबा है, यहाँ आपको खाना मिलेगा, वो भी गर्मा गर्म कम दाम में। अच्छा क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, चावल पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे इतना सब कुछ? और मुझे 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। अजी मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और पराजक्ता ने पराठे बना दिए। कितना हुआ? बस 70 रुपए भाईजान। अरे वाह किफायती है, हमारे गांव के होटल में तो इतने में 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और खरीदारों ने फरमाइश की। दाल तड़का और जीरा राइस पार्सल कर दीजिए भाई। मुझे 2 पूरी भाजी दे देना। जी भाईजान। पराजक्ता और मीना फटाफट खाना बनाने लगी और रमेश और शुभम खरीदारों को पेश करने लगे। पहले रोज ही गांव में उन्हें 8-10 खरीदार मिल गए। जब खरीदार आने खत्म हुए तो रमेश ने कश्ती चलानी शुरू कर दी। वो लोग अगले गांव में रुके और यहां भी एक एक करके कई खरीदारों ने उनसे खाना खरीदा और फिर उसके अगले गांव। ऐसा करते करते शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। प्रजक्ता आज एक रोज की कमाई 4,000 रुपए हुई है। इतनी तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती। हाँ शुभम
तुम्हारी ये तरकीब कमाल की है, अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके लाएंगे। जी अब्बा, मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें खरीदारों की सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी मेहनत को रुख मिल गया है। हमें ऐसे ही मेहनत करना जारी रखना होगा। हाँ, सही कहा। फिर क्या था, रमेश का खानदान रोज कड़ी मेहनत करने लगा। वो लोग कश्ती से गांव-गांव घूमकर खाना फरोख्त करने लगे। सभी खुश थे, लेकिन उनकी ये तरक्की रमेश के गांव में रह रहे भानु से देख ही नहीं गई। भानु रमेश से हसद खाता था। मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना ही चाहिए, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की कश्ती तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे कश्ती पर खाना फरोख्त करते हो। रमेश और उसका खानदान जब दरिया किनारे पहुँचा तो अपनी कश्ती का ये हश्र देखकर परेशान हो गया। अब हम क्या करेंगे अब्बा, कश्ती तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे हम इतना सारा खाना कहाँ फरोख्त करेंगे। गांव का एक बुजुर्ग शख्स उनकी ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। अब बेटा, तुम लोग मेरी कश्ती लेकर जाओ, मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी नसीब होता है। ये नेक काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी कश्ती इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर कश्ती चलाकर कुछ खास नहीं कमा पाता मैं। शुक्रिया चाचा जान, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। चाचा की कश्ती उनकी कश्ती से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस बड़ी कश्ती में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी रख लिया और फिर वो लोग रवाना हो गए। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुक कर खाना फरोख्त करने लगे। खरीदार बढ़ गए थे और उनकी आमदनी भी। शाम के वक्त वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस ज़ईफ शख्स के घर गया। चाचा, आज आपकी वजह से मैं खाना फरोख्त कर पाया, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए, हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसके हकदार आप भी हैं चाचा। पहली मर्तबा कोई मुझे कश्ती नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। 40 साल से बस कश्ती चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ। अब ज़ईफ हो चुका हूँ, जिस्म साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि कश्ती फरोख्त ही कर दूँ। अब नहीं चाचा, आपको कश्ती फरोख्त करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी कश्ती चलाएंगे और आपको रोज आपकी कश्ती का किराया भी अदा करेंगे। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। बुजुर्ग शख्स ने रमेश को कश्ती देकर उसकी मदद की और रमेश ने बुजुर्ग शख्स को रोज किराया अदा करने की बात करके उनकी मदद की और ऐसे ही मदद का ये सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी नेक दिली की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी में इजाफा होता जा रहा था। और ये देख कर भानु तिलमिला गया। वो रमेश का बुरा करना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने ही रमेश का भला कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने अपनी दुख्तर मीना की शादी कर दी, बड़ी ही शानो शौकत के साथ। लेकिन भानु अभी भी रमेश को देख कर हसद खाता रहता। रमेश और उसके खानदान की मेहनत रंग लाई। ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। वैसे तो प्रेमनगर गांव खुशनुमा और बहुत ही प्यारा था। गांव में हमेशा अमन बनी रहती। उसी गांव में मंगलू नाम का भिखारी रहा करता था, जो आसमान को चादर समझकर और धरती को बिस्तर समझकर कहीं भी भूखे पेट सो जाया करता था। ऐसे ही हर सुबह मंगलू मंदिर का प्रसाद खाकर रास्ते और चौराहे पर भीख मांगने निकल जाया करता था। मंगलू का बर्ताव बहुत ही अलग था। दूसरे से भीख लेकर वो अपना पेट न भरता, बल्कि उन पैसों को अपने साथी भिखारियों को बांट देता। हे राम, आज तो एक फूटी कौड़ी हाथ नहीं लगी, क्या खाएंगे हम?
अब क्या बताऊं काका, मैंने तो आखिरी बार भर पेट खाना कब खाया था मुझे याद ही नहीं। गोपाल और बाकी भिखारी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंगलू आ गया और उनसे कहने लगा, आज तक मैंने तुम सभी भिखारियों को भूखे पेट सोने दिया है क्या? जो आज सोने दूंगा, जरा ये देखो मेरे पास क्या है, दही जलेबी और खूब सारी खिचड़ी। मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू झलक आए। अगर तुम ना होते तो न जाने क्या होता आज, न जाने मैं क्या खाता और कहां जाता, मैं तो भूखा ही मर जाता। अरे ऐसे कैसे मर जाओगे, पहले इसी धरती पर जीने का मजा ले लो, ये खिचड़ी और दही जलेबी खाकर। सारे भिखारियों ने मिलकर जमकर और बड़े ही चाव से खिचड़ी दही और जलेबी खाई और सब आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, गोपाल काका, रमेश कहाँ हो तुम सब? काका, काका, रमेश कहाँ गए तुम दोनों? अब मैं किसके साथ भीख मांगूंगा? वो दोनों चोर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुबह सुबह ही पुलिस आई और उन्हें उठाकर ले गई। उस समय तुम गहरी नींद में थे। ये कैसा भद्दा मजाक है, ये आप क्या कह रहे हैं? वो दोनों तो अच्छे इंसान थे, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मंगलू उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और देखा कि दोनों पुलिस के गिरफ्त में हैं। ये देखकर मंगलू ने कहा, साहब क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? मुझसे तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हम भिखारी है साहब, दुनिया से भले ही भीख मांगे पर हमारा गिरबान इतना कमजोर नहीं है कि हम चोरी कर ले। बड़ी बोलती निकल रही है तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहे तो इसे भी अंदर कर लूं। हाँ हाँ कर दो, लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उन हवलदारों ने मंगलू की एक नहीं सुनी और उसे काल कोठरी में डाल दिया, उसी काल कोठरी में जहाँ गोपाल और रमेश पहले से ही कैद थे। हे मालिक, ये सब क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। उन लोगों ने मुझे और रमेश को इस जेल में बंद कर दिया। जिस जगह पर हम रात को सोया करते थे, उस जगह को एक व्यापार ने खरीद लिया है, सेठ बिजोरी मल ने। लेकिन इसमें तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उस रात जब तुमने हमें जलेबियां खिलाई थी ना, तब जाकर रमेश ने मंगलू को सारी बात बताई। कुछ भी कहो, मंगलू है तो बहुत बड़ा दानी। हाँ, अब सुबह होते ही उनकी आँख खुलेगी, तब तक उन्हें होश नहीं आएगा। घोड़े बेचकर सोते हैं मंगलू भाई। उतने में वहाँ कुछ गुंडे आ गए और कहने लगे, इन भिखारियों को यहाँ से उठवा कर किसी जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो। ये जमीन हमारे गांव के नेता की है और एक शहरी व्यापारी आकर यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनाने वाला है। इन भिखारियों की औकात ही क्या है, इन्हें जल्दी भगाना ही पड़ेगा। जब मॉल बनेगा तो मैं भी उस मॉल में अपनी एक दुकान खोलूंगा और ये बुरे काम बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, पहले चलो इन्हें भगाओ। इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें हवालात में बंद करा दो। सरदार, यहाँ पर जितने भी भिखारी है ना, उनमें से एक मंगलू है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए, अच्छा आदमी है। बाकी भिखारियों को हम जेल में डलवा देंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी करो। उन गुंडों ने मंदिर से कुछ सामान चोरी कर उन भिखारियों के पास रखवा दिया और पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाकर उन्हें कैद में डलवा दिया। अच्छा तो ये बात है, उस रात अगर मैं सोया ना होता तो आज नौबत ही नहीं आती, सब मेरी ही गलती है। मंगलू उन भिखारियों के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मत रो मंगलू भाई, हो ना हो ये सब हमारे किसी पाप का नतीजा है। जो भी हो, अब हम बाहर कैसे जाएंगे ये सोचिए। इस जेल में सिर्फ एक बल्ब है जो दिन में भी जलता है और मैं इस बल्ब से परेशान हूँ। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, सब तोड़ दूंगा जेल के अंदर में। उस वक्त रमेश ने एक लकड़ी उठाई और उस जलते हुए बल्ब पे दे मारी। उस लकड़ी के प्रहार से बल्ब फूट गया और उसमें से एक रोशनी निकली। वो रोशनी सारे कैदियों को एक नई दुनिया में लेकर चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कई सारे कैदी मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये सारे लोग?
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बल्ब की दुनिया कैसे आ गई? तब वहाँ पर एक बुजुर्ग कैदी आ गया और उनसे कहने लगा, आओ आओ मंगलू, तुम आओगे ये हमें पहले से पता था, पर ये नहीं पता था कि इतनी देर से आओगे। आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? अब हमारे बारे में इतना सब कैसे जान सकते हैं? इस बल्ब के दुनिया से जेल बड़ा अच्छा दिखता है। जेल में जितने भी बल्ब है सब कैमरा जैसे काम करते हैं। हम यहाँ बैठकर जेल की सारी बातें सुन और देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताइए। हम भी यहाँ पिछले हफ्ते से कैद हैं। ये ग्रहों का हेर फेर है। जब भी ग्रहों से कोई खेलता है बल्ब का दरवाजा खुल जाता है और ऐसी घटनाएं होती रहती है। इसका एक ही उपाय है। आप सबको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए कैसा उपाय है? इसके लिए तुम्हें जेल के सारे बल्ब फोड़ने होंगे। इतना कहकर बुजुर्ग कैदी उन्हें जादुई बल्ब के पास लेकर चला गया। ये इतना बड़ा बल्ब, इससे हम कैसे आजाद होंगे? इस बल्ब को वही तोड़ सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो और दिल का बड़ा सच्चा हो और ईमानदार भी हो। ये काम तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो हटो। किसी की न सुनकर रमेश ने एक लकड़ी उठा ली और ना आओ देखा ना ताओ वो उस बल्ब को फोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उस जादुई बल्ब का करंट इतनी तेज था कि रमेश की हालत खराब हो गई और उसे जोर का करंट लगा। अरे बाप रे, अरे मालिक रे, करंट करंट लग गया मुझे। रमेश को इतना जोर का झटका लगा कि सारे डर गए और रमेश दूर खड़ा हो गया। तभी उस बड़ी सी बल्ब से आवाज आई, प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये बल्ब बहुत बड़े पुजारी की है जिसने जेल में निर्दोष होकर सजा काटी थी। इस बल्ब को मैं फोड़ूंगा और सबको यहाँ से आजाद करूँगा। इतना कहते ही रमेश के हाथों से लकड़ी लेकर मंगलू उस बल्ब के करीब पहुँच गया और बड़ी जोर से लकड़ी लेकर उस बल्ब पर दे मारा। जैसे ही लकड़ी बल्ब पर लगी तो बल्ब फूट गया और उसमें से एक कैदी की रूह निकली और कहने लगी, धन्यवाद मंगलू, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने हमें आजाद किया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी बेगुनाह था और मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे ही श्राप के कारण सारे जेलवासी इस बल्ब के दुनिया में आ गए। लेकिन आपको सबक सिखाना ही था तो उन्हें सिखाना था ना जिन्होंने ये पाप किया, ना कि निर्दोष कैदियों को। इसके पीछे का मतलब यह है कि मैं तुम्हें ये बल्ब देना चाहता था। इस बल्ब से तुम असली दुनिया में जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। उस रूह ने मंगलू को एक बल्ब दी और उसके बाद वो रूह वहाँ से गायब हो गई और सारे कैदी दोबारा जेल में आ गए। तब मंगलू ने कहा, हमें एकजुट होकर रहना होगा, इस जेल से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंगलू ने उस बल्ब को होल्डर में लगा दिया और बल्ब जलने लगी। जैसे ही बल्ब जली सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखो, जेल की सारी सलाखें खुल चुकी हैं। हमें यहाँ से भागना चाहिए। सही कहा रमेश बेटा तुमने, चलो जल्दी चलो। सारे कैदी जेल से भाग रहे थे तब उन्होंने देखा कि सभी घूसखोर पुलिस वाले एक तरफ एक बड़े से जेल में कैद हैं। मौके का फायदा उठाकर रमेश, मंगलू और गोपाल काका वहाँ से फरार हो गए। इन्हें छोड़कर यहाँ से निकल चलो वरना दूसरी मुसीबत आ जाएगी। मंगलू और उसके साथी भिखारी वहाँ से भागकर दोबारा उसी मंदिर के पास आ गए जहाँ सारा कारनामा हुआ था। उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा नेता वहाँ अपने गुंडों को लेकर खड़ा है। अब तुम सब कहाँ भागोगे? इस जगह पर हम एक नया मॉल बनवाने वाले हैं। मुझे पहले से पता था कि आप सब इस जगह के पीछे पड़े हैं, लेकिन ये जमीन ना तो आपकी है और ना ही सरकार की। इतना कहते ही मंगलू ने अपने झोले से जादुई बल्ब निकाला और उस बल्ब को जमीन पर रख दिया
जैसे ही बल्ब जमीन पर रखी गई, जादुई बल्ब एक बल्ब ढाबे में कन्वर्ट हो गई। सारे भिखारी ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बल्ब के आकार का रेस्टोरेंट कहाँ से आ गया? जाओ जाओ और इस रेस्टोरेंट को तोड़ डालो। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक होना चाहिए। जी सरदार, ऐसा ही होगा। जैसे ही गुंडे उस बल्ब के रेस्टोरेंट को तोड़ने गए, उन्हें जबरदस्त बिजली का झटका लगा। तुम सबसे कुछ नहीं होने वाला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर नेताजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बल्ब रेस्टोरेंट पर दे मारा। जैसे ही पत्थर उस बल्ब रेस्टोरेंट पर पड़ा, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और बिजली के तेज झटके से नेताजी बल्ब में कैद हो गए। नेताजी के बल्ब में कैद होते ही रूह प्रकट हुई। वो रूह उसी जेल के कैदी की थी जो कि बेगुनाह था। इसी पापी के कारण बेगुनाह होकर भी मैं जेल में कैद था, लेकिन अब और नहीं, अब इसका अंजाम बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मंगलू। तुम्हारे अच्छे इंसानियत के वजह से ये बल्ब रेस्टोरेंट है। अब से तुम सब इसी में काम करोगे। ये जमीन तुम सब के नाम पर होगी। इतना कहकर रूह गायब हो गई और सारे भिखारी उस बल्ब रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगे।